गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, जो क्लास सेवेंथ के मैथमेटिक्स में है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो नंबर है जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि किस तरह लिख सकते हैं, पी डिवाइड बाई क्यू। पी को हम न्यूमरेटर कहते हैं, क्यू को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो जो भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, आपको याद होगा हम रैशनल नंबर भी सेम तरह लिख सकते हैं। सो इन दैट वे हम फ्रैक्शन भी उसी डिजाइन में लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक पूरे के पूरे हिस्से का कोई एक पार्ट, कोई उसका हिस्सा। यानी कि फ्रैक्शन इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। मैंने यहां पे कुछ डायग्राम्स बनाई है जिससे मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा ये फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यहां पे सबसे पहले फिगर में मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये 1, 2 एंड 3। यानी कि एक ये सारा रेक्टेंगल, इसको हम होल कहेंगे, और जिस पार्ट को मैंने कलर किया है, जिस हिस्से को मैंने, वो उसका पार्ट कहलाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूमरेटर में जो पार्ट हमने कलर किया है, कितने पार्ट है, 3 में से 1 पार्ट है, और टोटल कितने पार्ट है, 3। यानी कि टोटल होल का फर्स्ट सिंगल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, दैट वुड बी द फ्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाता हूं, एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, स्क्वायर को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब अगर मुझे कहना हो कि मेरे को कलर्ड कितने पार्ट्स है, तो यहां पे विजिबल है कि 3 पार्ट जो है कलर है, मगर टोटल कितने पार्ट है, 4। ये 4 जो है ये होल है, होल यानी कि सारा ये पार्ट्स है जो कलर्ड है। तो ये हमें फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहां पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल का हाफ पोर्शन कलर्ड है, हाफ ब्लैंक है। तो अगर इसको मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं इसके 2/4 करूंगा। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सर्कल वेयर कलर्ड पार्ट्स आर 2। सिमिलरली अब अगर इसका रिवर्स हमें देखना हो, यहां पे लिखा है 1/2, इसमें मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू कलरिंग। तो यानी कि इस ट्रायंगल के 2 इक्वल पार्ट्स है मेरे पास, और 1 पार्ट को मुझे कलर करना है। तो मैं चाहे इस साइड को करूं, चाहे इस साइड को करूं, ये कलर्ड पार्ट जो है रिप्रेजेंट करेगा 1/2 ऑफ द टोटल। सिमिलरली 3/8, ये इसके 8 हिस्से किए हैं मैंने रेक्टेंगल के, इसको अगर 3 पार्ट से मुझे कलर करना है, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा इसे। यानी कि 3/8 मैं थ्रू पिक्टोरियल ऐसे इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा। सो अगर मुझे इसका एग्जांपल्स लिखने होंगे, तो मैं लिखूंगा 1/2, 3/5, 7/8 एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल्स है फ्रैक्शंस के। अब फ्रैक्शन फर्दर 3 किस्म के हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। फिर एक बार कहता हूं मैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/2, यह डिनोमिनेटर है, यह न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। सिमिलरली 3/5, 7/8, ये सारी एग्जाम्पल्स है प्रॉपर फ्रैक्शन के, जहां पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अब मूव करते हैं सेकेंड टाइप से। दूसरा टाइप है प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल
मैंने रिप्रेजेंट किया 3/2, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सिमिलरली 7/5, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो अब मैं मूव करता हूं मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन कौन से होते हैं? मिक्सड फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि एक होल नंबर और फ्रैक्शन को दोनों को कंबाइन करने से मिले हमें, यानी कि ए नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 हमारा होल नंबर है, अगर मैं इसके साथ एक फ्रैक्शन ऐड करूं तो ये मिक्सड नंबर कहलाता है। सिमिलरली 3/5/8, यानी कि इसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड मिक्सड नंबर। सिमिलरली 1/5/3, ये भी हमारा मिक्सड नंबर होगा। इसके अलावा 6/4/5, ये भी हमारा मिक्सड नंबर है, जहां पे दो नंबर होल नंबर और मिक्सड प्रॉपर नंबर जो है, फ्रैक्शन जो है, इसके साथ कॉम्बिनेशन में हो तो उसको हम मिक्सड फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम मूव करते हैं इनके ऑपरेशंस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं फ्रैक्शंस में। सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता देता हूं, उसके बाद मैं आपका डिवीजन और एडिशन बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन विद ए बाय ए होल नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, और एक होल नंबर है 2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, 1/2 सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो होल नंबर होगा उसे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना हमें, यानी कि 1/2/2, डिनोमिनेटर 2 है एज इट इज लिखेंगे, 2 × 2/2 = 1, ये है मल्टीप्लिकेशन। फॉर एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 3/5, उसे मल्टीप्लाई मुझे अगर करना है 6 के साथ, तो मैं क्या करूंगा, 3 × 6, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 के साथ, नीचे डिनोमिनेटर मेरा 5 है, तो 3/6 = 18/5, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। समझ आया? नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, यानी कि दोनों ही केस में एक फ्रैक्शन होगा जिसको मल्टीपल करना है हमें फ्रैक्शन के साथ। उसमें क्या होता है, सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 एक फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई मुझे करना है 3/5, मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर 1/3 आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर में 2/5 आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 1/3 होता है, 2/5 = 10 होता है, दैट इज द आंसर, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई से 4/5, दो जी मल्टीप्लाई 3/4/8/5, 3/4 = 12, 8/5 = 40, ये आंसर है। फर्दर मैं आपको दिखा दूंगा इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं। देन मूविंग टू अनदर पार्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, हम डिवीजन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, इसे डिवाइड करना है हमें 4/5 से, तो हम इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो हम एज इट इज लिखते हैं, डिवीजन को रिप्लेस करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल यहां पे मेंशन करते हैं, यानी कि 5/4, यानी कि इस 5 को हमने न्यूमरेटर में लिखा, 4 को डिनोमिनेटर में लिखा, और डिवीजन का साइन जो है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। तो सीधे आप हमारा सिंपल इस तरह का प्रोडक्ट बना हमें, दे दीजिए मल्टीप्लाई 5/8। अब अगर हमारे पास सिंपल केस हो 3/5,
उसको डिवाइड करना हमें से 6 के साथ। तो इस केस में क्या करेंगे, 3/5, इस डिवीजन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। 6 का रेसिप्रोकल क्या होगा, अब 6 हमें पता है, अगर सिंगल नंबर लिखा होल नंबर हो तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इसको जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे 1 ऊपर आएगा 6 नीचे आएगा, तो ये हो गया 3 × 1/5 × 6। यहां पे हम काट सकते 3 × 1 = 3, 3 × 2 = ये होता 1/10। दिस इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो इसके अलावा मैं आपका एडिशन नेक्स्ट चैप्टर जब होगा रैशनल नंबर्स में, उसमें आपको समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।